मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलने वाला संदेश है, जिसे सुनने के बाद आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इसमें जो है वो हर बात में सच्चाई है। इसलिए ये पूरी कहानी देखें, बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चों, आज मैं इसके माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ संदेश। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, महादेव जी बहुत दयालु हैं। महादेव जी अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं। हम कभी अत्याचार होते नहीं देखते, हम अपने भक्तों का सदैव उत्थान करते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल महादेव जी को संदेश दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो, फिर वीडियो को शुरू से देखो। कहानी समाप्त होना जरूर देखे। महादेव जी कहते हैं मैं चीजों के तरीके या पोल्ट्री भावनाओं तक ही सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की तलाश करेंगे, आप जितनी देर प्रतीक्षा करेंगे, आप सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहना और मेरी प्रतीक्षा करना जीने का एक धन्य तरीका है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरी प्रतीक्षा करते हैं। मेरे समय और उनके जीवन पर भरोसा रखें। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन ये मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि ये आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और बाधाओं का सामना करते हुए अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर हैं। जब आपका उनसे सामना हो तो मुझ पर विश्वास करें, उन्हें ठोकरें नहीं बल्कि सीढ़ी के रूप में देखें। प्रत्येक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ले जाने और संदेह या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब दुनिया का शोर आपके दिमाग में मेरी हल्की फुसफुसाहट है और मेरी शांति की तलाश है, ये शांति है कि आप मेरी आवाज़ सुनेंगे जो आपको मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं सदैव आपके साथ चल रहा हूँ। मैं आपके मार्ग का मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहें, अपने दिल को स्थिर रखें और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दें। इस दुनिया की परीक्षाएं अस्थाई हैं, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। ये जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें कि मेरे पास वो सब कुछ है जो आपको दूर करने और आगे बढ़ने के लिए चाहिए। महादेव जी कहते हैं, मैं अभी और सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा साहस आपके साथ रहे और मैं आपके दिल को मजबूत करूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बहादुर बने, काया नहीं। वास्तव में बाइबल कायरों और अविश्वासियों के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी देती है। जब आप बहुत कठिन समय से गुजर रहे होते हैं और कोई राहत नजर नहीं आती है, तो आप आमतौर पर बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगते हैं। ये पलायनवादी लालसा आत्मदया और अधिकार की भावना से उत्पन्न होती है। आपको लगता है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के हकदार हैं। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपको महादेव जी ही याद आते हैं। मान लीजिए कि आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, मैंने आपको मजबूत होने का निर्देश दिया था, लेकिन आपने कड़ी मेहनत की और आपके पास जो कुछ भी था उससे लड़ने का फैसला किया। मैंने जो कुछ भी आपसे मांगा था आपने उसे पार कर लिया है। आपने वफादारी दिखाई है और मैं खुशी से देखता हूँ कि सभी बीज बोए गए हैं। तुम अंकुरित और विकसित हुए हो और इतना सुंदर फल लाए हो। इसीलिए आपकी इच्छाओं और सपनों से बेहतर और उज्जवल समय आपके पास आ रहा है। डॉट आगे बढ़ते हुए आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उस भूमि पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते जहाँ आशीर्वाद और खुशियाँ प्रचुर मात्रा में हैं। मैं समझता हूँ कि कभी कभी जब आप चीजों को अलग तरह से देखते हैं तो आपकी भावनाएं लड़खड़ा जाती हैं। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं, वे भी आपके अच्छे गुणों को पहचानने के बजाय आपको चोट पहुँचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। खो जाओ और अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए यादों की ओर मुड़ो। अपनी आत्मा को घायल करो और उसे चकनाचूर कर दो। लेकिन आज जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो यह निर्णय ऐसे लें जैसे कि आपने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और ताकत का प्रदर्शन किया हो। साथ ही जीत का रवैया भी अपनाएं।
किसी को भी सही कार्य करने के अपने प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति न दें। उन्हें अपनी भावनाओं को निर्देशित करने का अवसर न दें। अपना पूरा भरोसा मेरे शब्दों पर रखें और उन वादों से निर्देशित हों जो यह आपके लिए लेकर आए हैं। जान लो कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें अपने प्यार में घेर लूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी दुश्मन का सामना करूंगा जो तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत करेगा। वे आपके मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं और आपके विश्वास का मजाक उड़ा सकते हैं। उन विचारों को छोड़ना आसान है जब समस्याएं आपको घेर लेती हैं, जब संघर्ष होता है, एक हो जाओ जब थकान होने लगे और जब तुम पर कई निर्णयों का बोझ हो, जब तुम्हारी आत्मा थकी हुई हो। आओ और आश्वस्त रहो कि वह मेरे भीतर है, उसकी उपस्थिति तुम्हें सांत्वना दे और आशा है कि तुम्हारी परेशानियों का योग कम नहीं होगा। मेरे प्यार की सुरक्षा, इसे समझो, मैंने ये स्थितियाँ आपकी ओर नहीं भेजी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जहाँ भी हों, मेरे शक्तिशाली हाथों से आपको ऊपर उठा लिया जाएगा। मैं उभरूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम अपनी क्षमता से अधिक कष्ट सहो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी ऐसी परीक्षा नहीं भेजूंगा जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम इस स्थिति से बाहर आओगे और मैं तुम्हारे कंधों से भारी बोझ हटा दूंगा। मेरी इच्छा है कि आप एकांत और दुख में रहें। आपका भविष्य इतना अद्भुत है कि आपके दुश्मन आपका आशीर्वाद चुराने के तरीके ढूंढ लेते हैं। हालांकि इस लड़ाई में आपके पास एक विकल्प है और आपका विश्वास एक तलवार है जो आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को काट देती है। यदि आप अपने शत्रुओं द्वारा भेजे गए नकारात्मक विचारों और भावनाओं के लिए दरवाजा खोलते हैं तो आप ठोकर खाएंगे, लेकिन आप जीत के लिए प्रयास करेंगे। यदि मेरी पवित्र आत्मा आपके जीवन और हृदय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो मैंने अपनी भूमिका निभाई है। मैंने आपको मोक्ष प्रदान किया है। मैंने आपके लिए जीत और आशीर्वाद की विरासत तैयार की है। अब तुम्हें वैसे ही दृढ़ रहना होगा जैसे तुम हो। मैं आपको ये बताने के लिए सही समय पर आया हूँ कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचने के कगार पर हैं। जहाँ आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं, वहाँ पीछे न हटें। आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अपने द्वारा बहाए गए आंसुओं को बर्बाद न करें। आपके द्वारा किए गए बलिदानों और आपके द्वारा सहन किए गए परीक्षणों को बर्बाद न करें। चाहे जो भी हो, आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प स्टील से भी अधिक मजबूत है। अपने आप को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका भविष्य अलग है। मेरा वर्तमान तुम्हें घेरे हुए है। मेरी आत्मा का साम्राज्य तुम्हारे घर में है। स्वर्ग की खिड़कियां तुम्हारे घर में आशीर्वाद और खुशियां लाने के लिए खुलेंगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। ये क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए चिंता मत करो। तुम्हारे भगवान, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर आपकी मुझ पर श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और महादेव जी के संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा लकी नंबर भी बताएं। 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दे। महादेव जी कहते हैं कि मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से आपका समर्थन करूंगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरी महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। ये कृपा आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंच जाएगी जो उपचार लाती है। बहुत से लोग जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आप में किए हैं और यह कैसे हुआ। ये शब्द उन असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है जिन्होंने एक बार आपको लड़खड़ा दिया था या मैंने अब तक आपका साथ दिया है। पीछे मत हटो, जो तुमने पाया है उसे मत खो। महान आशीर्वाद अब आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी चिंताओं को पहले रखें, प्रार्थनाएं और मेरे लिए सतर्कता लाएं। खुशी की इच्छा को खुद को चुराने न दें। डॉन ऐसे शब्द न बोलें जो दूसरों को ठेस पहुंचाएं। उनकी तुलना किसी और से न करें। उनकी आत्मा को ठेस न पहुंचाएं। ये सच है कि कुछ नियम और आज्ञाएं हैं जिनका आपके घर में पालन किया जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए, लेकिन अपनी आवाज़ ऊंची न करें।
थोपने से पहले कभी किसी का अपमान न करें, खुद पर अनुशासन। परिवार, पहले खुद को शांत करें, कुछ क्षण लें और अनुरोध करें कि मैं आपका हाथ पकड़ूं और आपकी आत्मा में दिव्य प्रेरणा डालूं। मैं आपको दूंगा, मैं आपको प्यार भरी सलाह देकर आपका मार्गदर्शन करूंगा, जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं सुबह से शाम तक आपके साथ रहूंगा, मैं जब तुम सोओगे तब भी मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। मैं तुम्हें अपने शब्दों के बारे में बताऊंगा ताकि तुम उन अद्भुत शब्दों को पा सको, तुम उन योजनाओं का सपना देख सको जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। आप खुशी और महान शक्ति के साथ उभरेंगे और धैर्य और शांति के साथ सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस समय मैं तुम पर इतना भारी बोझ नहीं पड़ने दूंगा जिसे तुम सह न सको। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इसे अब और सहन नहीं कर सकते। जब मैं कहता हूं कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। जीत पहले से ही आपकी है, मैंने इसे आपके लिए जीता है। बस खड़े रहें और बिना आंसू या शिकायत के बस कुछ कदम आगे बढ़ाएं और आपको आपके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। दृढ़ता आपकी वफादारी के लिए और आपके परिश्रम के फल के लिए। यह आपकी वफादारी और दृढ़ संकल्प और गरिमा से भरपूर सिर ऊंचा करके अंत तक लड़ने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए मेरी सराहना दिखाने के लिए है। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि तुम सभी प्रकार की बुरी ताकतों पर विजय प्राप्त करके सांपों और धोखेबाज राक्षसों पर विजय प्राप्त कर लोगे और कोई भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। इसी तरह मैं आपको आत्मविश्वास, अदम्य भावना और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ देखना चाहता हूँ। वे सभी खूबसूरत चीजें जिनकी आप आशा करते हैं जल्द ही पूरी होंगी। हर बार जब आप भोर में अपनी आंखें खोलते हैं तो आपके द्वारा प्रदान की गई विश्वास की चिंगारी मुझे बहुत खुश करती है और मुझे आपको पुरस्कृत करना अच्छा लगता है। इसका तरीका आपके जीवन में अनगिनत चमत्कार प्रकट करना है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मौन के क्षणों में भी जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो महादेव जी कहते हैं, अद्भुत भविष्य जो आपके सामने है, मैं आपके साथ हूँ। इस प्रक्रिया से डरो मत, मेरे पवित्र डॉन नाम पर परीक्षणों से दूर न भागें, उन्हें स्वीकार करें और अपनी समस्याओं का सामना करें। मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं, अपनी भावनाओं को आप पर हावी न होने दें या नहीं। मैं किसी भी बीमारी से पीड़ित हूँ, मैं आपको ठीक करता हूँ, मैं आपकी देखभाल करता हूँ, मैं आपको प्रदान करता हूँ और मैं समर्थन करता हूँ। आप, मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। मैं आपके प्रयासों का फल कई गुना बढ़ा देता हूँ। मैं आपको आपके विचारों में विश्वास और दृढ़ संकल्प देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आज आपकी आत्मा में ये दृढ़ता लाता हूँ। विश्वास बनाएं, अटूट ज्ञान की आपके लिए मेरा प्यार गहरा है और भले ही आप लड़खड़ाएं और गलतियां करें, मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा, हर कदम पर आपका समर्थन करूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक आश्चर्यों से भरा पथ, कई अवसर और ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। आपका चेहरा आत्मविश्वास और आश्वस्ति से चमकता है और आपकी मुस्कान उन लोगों को रोशन कर देती है जो आपको देखते हैं। लोगों, विशेषकर आपके परिवार के साथ आपकी बातचीत मेरी ताकत और मेरे प्यार की गवाही देती है। मैं उन लोगों के लिए चमत्कार ला सकता हूँ जो अपना हृदय मुझे समर्पित करते हैं। मैंने आज आप सभी को बताया है कि जिन प्रक्रियाओं का आप सामना करते हैं वे एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसलिए अपनी आत्मा को भय से डरने न दें, कांपने न दें, दृढ़ संकल्प के साथ इस मार्ग पर चलते रहें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्रेम, शांति, धैर्य और शक्ति प्रदान करें। मैं आपके जीवन में आनंद और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूँ, मैं इसे इसी क्षण करता हूँ। अपनी आवाज की ध्वनि में मैं उस स्नेह को उपचारात्मक शब्दों के रूप में महसूस करूंगा जो आपके कानों में प्रवेश करते हैं और बने रहते हैं। आपके द्वारा सहन की जाने वाली किसी भी स्थिति के बीच में आपको सांत्वना देना। आप बहुत ध्यान दे रहे हैं और मैं ये जानता हूँ। यह मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही आपको जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति को महसूस कर सकें, आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और आपके द्वारा सुना गया हर शब्द आपको भर देगा।
आनंद के साथ आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और आश्चर्यों को देखने का यह विशाल अवसर है जो मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके वित्त, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में कर सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ और करूँगा जहाँ मेरी शक्ति दिन ब दिन प्रकट होगी। देखिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जाने कि मेरा प्यार आप पर बरसता है। मैं इन खूबसूरत आशीर्वादों के बदले में आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए ही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा तुम्हारे लिए मांगा है? मेरा दिल तुम्हारा है प्रभु, मैं मुझे पहले स्थान पर रखने और अनंत काल तक मेरी तलाश और सेवा करने की तुम्हारी प्रतिबद्धता के प्रति निष्ठा रखता हूँ। मैं तुम्हें एक सच्ची आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो ये है, एक लाएगा जीवन में चमत्कारी परिवर्तन और गहरा परिवर्तन। मैं तुम्हें उन सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति देता हूँ जिनसे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ उठता है। मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द हैं, मेरे वादे विफल नहीं होते हैं, वे आपकी ढाल और आपकी तलवार हैं। अपनी आत्मा की रक्षा करें, मुझे विश्वास है आप में और मैं आपसे किए गए वादे को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा प्रमाण बनना चाहता हूँ और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप इन निराधार आशंकाओं को दूर रखें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखता है। आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद को बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है और दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों के पास जो कुछ भी था वो सब आपसे दूर हो गया है। मैं इसे पुनर्स्थापित करूंगा। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी जीत का क्षण है। महादेव जी कहते हैं कि जब आप मुझे अपना पूरा ध्यान देंगे, अपने परिवार की सेवा करने, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने और कई अन्य सुंदर सपनों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो मैं आपको वो दूंगा जो आप मांगेंगे। दयालुता के शक्तिशाली कार्य। ईर्ष्यालु लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन उनकी बातों या आपकी समृद्धि में बाधा डालने की उनकी कोशिशों पर ध्यान न दें। संगीत आपके जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद है, आदिकाल से लिखित और अधिकृत, आपके जन्म के समय मेरी अलौकिक शक्ति द्वारा सील, कुछ भी नहीं और कोई भी आपको वह देने के मेरे दृढ़ संकल्प में बाधा नहीं डालेगा जिसके आप हकदार हैं और आपको सबसे ऊपर उठाएंगे। राष्ट्रों और यहाँ तक कि आपके अपने लोगों के बीच भी मैं आपका सम्मान करूँगा जो वर्तमान में आपका तिरस्कार करते हैं। मैंने देखा है कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया है जिन्हें आप जानते भी नहीं थे। क्या आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था? इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उदारता बारिश में बदल जाएगी। ऊपर से आशीर्वाद, स्वर्ग की खिड़कियाँ खुलेंगी। प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करना, जो मैं तुम्हें देता हूँ उसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए मुझ पर विश्वास करने का निर्णय इसी क्षण से कर लो ताकि तुम भक्षक की धमकियों के आगे झुक न जाओ। यदि मैं ये कहूँ तो तुम ऐसा करोगे। समृद्धि, यदि मैं आज्ञा दूँ तो ये हो जाएगा। किसी से अवसर की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। विवादों या झगड़ों में शामिल होने से बचें, पूरा सच बोलें, गपशप फैलाने से बचें और उन लोगों पर ध्यान न दें जो नफरत और नाराजगी पैदा करो। मुझसे सीखो क्योंकि मैं विनम्र और सौम्य हूँ। ऐसा करने से तुम्हें दिल मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। मैं आपसे स्नेह से बात करता हूँ। अगर आपकी मुझ पर श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और महादेव जी के संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा लकी नंबर भी बताएं। 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे कान में अपने शब्द फुसफुसाता हूँ और आत्मा के लिए गाता हूँ और सुबह में आता हूँ और मेरे बालों को धीरे से सहलाता हूँ। मैं इन वादों को प्यार से भर देता हूँ। सफलता और समृद्धि आपके सामने है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूंगा। मैं तुम्हें अपने हाथों में सौंप दूंगा। किसी भी आशीर्वाद की उपेक्षा मत करो, लड़खड़ाओ मत और जब तुम कमजोर या असुरक्षित महसूस करो तो प्रार्थना करो और रो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी भावना को मजबूत करो और पुनर्जीवित करो। आपका विश्वास मजबूत और साहसी हो, निराश मत होइए। आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा।
आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप खुद को बहुत कमजोर महसूस करें। चाहे आप खुद को कितना भी कमजोर महसूस करें, मजबूत बनना चुनें। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ देखते हैं। अगर आप खुद पर और अपनी समस्याओं पर नजर डालेंगे तो आपकी हिम्मत पिघल जाएगी। साहसी होने का चुनाव आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए हूँ। रास्ते में मुझे विश्वास की आंखों से देखो। कदम दर कदम आगे बढ़ने से पहले लगातार मेरी ओर देखने से तुम्हारी ताकत और बहादुरी बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो मना कर दो। याद रखो कि मैं भगवान हूँ। आश्चर्य की बात है, मेरे भगवान महादेव जी मुझ पर कृपा करें। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।